हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम एंड एज वेल एज करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट आपके लिए और आपके पर्सन के लिए क्या कहता है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर, इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। द मून एंड द स्टार वाली एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान्स, लिसन टू योर इंट्यूशन फॉर एक्यूरेट गाइडेंस, फेस योर फियर्स एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। एंड ऑन द अदर हैंड द स्टार टॉक्स अबाउट अ ड्रीम कम ट्रू, बिलीव इन योर सेल्फ, द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो यस, यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन ज़रूर पॉपअप हुई है। ये एक किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, डिसएग्रीमेंट कह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर इनके और आपके बीच में फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, या फिर अगर ये जहाँ पर भी अपनी लाइफ में स्टक हैं वहाँ पर अगर ये खुश नहीं है और आपके साथ ये एक डिज़ायर रखते हैं, आपके साथ एक ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ पर अगर ज़ीरो है, वजह ऐसी होगी या तो आपने वॉक अवे किया है इनकी लाइफ से। बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि आपने वॉक अवे किया है। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है और ये ऐसा कनेक्शन होगा, ये एक ऐसा ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा, आई मस्ट से दैट, जहाँ पर एंडिंग्स हुई हैं, जहाँ पर सेपरेशंस अभी चल रही हैं, जहाँ पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं होती है। वजह ऐसी होगी कि इस पर्सन ने या तो आपको बिट्रे किया होगा, इन्होंने आपको ग्रांटेड लिया होगा, आपको धोखा दिया होगा, आपके लिए अब्यूजिव रहे होंगे, आपको ग्रांटेड लिया होगा। तो जिस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर मैं सेंस कर रही हूँ, दिस पर्सन इज़ इन डिज़ायर फॉर यू, आपको ये पाना चाहते हैं और आप इनके लिए एक किसी स्टार से कम नहीं हो। स्टार एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये हो सकता है आपको एक बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पर देखते हैं कि आप तक रीच हो पाना ही पहले इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जब इनके पास वो मौका था, जब इनके पास वो पोजीशन थी, इन्होंने इस कनेक्शन को सैबोटैज किया होगा। वजह ये हो सकती है कि थर्ड पार्टी एंगल हो सकता है या फिर अपनी ही मनमानी की होगी इन्होंने और इस कनेक्शन की वर्थ को ये समझे नहीं होंगे, अंडरस्टैंड नहीं किया होगा इन्होंने और बहुत सारी सिचुएशन को बहुत लाइट लिया होगा। और अब जब ये आपके साथ उस तरह की बैलेंस में नहीं आ पा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक तरह की डिसकम्फर्ट या फिर एक डिससेटिस्फाइड सिचुएशन में बने हुए हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी आपके और इनके बीच में जो हालात ख़राब हुए हैं उसको कैसे मेंड किया जाए, कैसे उनको ठीक किया जाए, क्योंकि होप है यहाँ पर लेकिन रास्ता पता नहीं है। और इनके इनर फियर्स इतने होंगे कि ये आपको अपने से बहुत ज़्यादा हायर लेवल्स पर देखते हैं और ख़ुद में एक सेल्फ लो एस्टीम ये अभी महसूस कर रहे हैं। और यही रीज़न है यहाँ पर कि आपके पर्सन सपना देख सकते हैं अभी, उस सपने को हकीकत में कैसे बदलना है ये इन्हें नहीं पता। और इनकी आज की एनर्जी थीम भी कुछ ऐसी ही है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा फियर्स हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, आपको खोने का डर होगा और इस चीज़ को ये जल्द से जल्द सही करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं कि हाउ टू डू दैट। फाइन, आपका बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर आता होगा यहाँ पर। यहाँ पर द हाई प्रिस्टस वाली एनर्जीज आप लोगों की बनी हुई हैं। Powerful psychic insights, reflections and meditation that provides valuable information, be at peace. तो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा mysterious character महसूस हो रहे होंगे, आपको understand करना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। And आप भी अपना next move थोड़ा सा hidden रख रहे होंगे, concealed रख रहे होंगे। अगर इन्होंने आपकी तरफ एक reach out रखा है तो जो एक reciprocation या response आपकी तरफ से जाना था वैसा गया नहीं होगा। इनफैक्ट बहुत ही डिफरेंट वेज में आपने इनसे एक तरह का रिएक्शन दिया होगा, एक तरह का रिप्लाई दिया होगा। इनसे अगर आप कम्युनिकेशन में बने हुए हो भी तो वो कम्युनिकेशन या तो बहुत ज़्यादा कोल्ड है या फिर आपकी यूजुअल टाइप से बहुत ज़्यादा हटकर होगा। अदरवाइज आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा कंपैशनेट रहते हो, नर्चर
आप इन्हें देते होंगे, इवन आपका एक अलग सा कंसर्न होता होगा. आप एक यू नो लाइक बेसिकली जब कभी भी हम डिवाइन फेमिनिन की बात कर रहे हैं तो डिवाइन फेमिनिन हमेशा अपने उस अनकंडीशनैलिटी के लिए जाने जाते हैं. तो जितने लोग भी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हैं वो लोग बहुत ज़्यादा लविंग हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, एंड उनका जो सामने वाले की तरफ जो बिहेवियर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत काइंड होता है. तो अगर आप अपने यूजुअल पैटर्न से हटकर इनके लिए बिहेव कर रहे हो तो ये इनके लिए एक तरह की मिस्ट्री है और इन्होंने ऐसी लाइट में कभी आपको देखा नहीं था. और जब कभी भी ये आपकी ऐसी एनर्जी सेंस कर रहे हैं तो दे आर इन द फियर कि मतलब सब कुछ खराब हो गया है क्या यहाँ पर, कि अभी सब क्या कुछ ठीक हो सकेगा, मतलब क्या यहाँ पर कोशिश की जाएगी. तो शायद ऐसी एनर्जी आपके पर्सन अभी सेंस कर रहे हैं. दे हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस लेकिन उसका आंसर इनके पास नहीं है और ये बस अभी एक होप ही रख सकते हैं, एक डिज़ायर ही रख सकते हैं और यूनिवर्स से आपको मांग ही सकते हैं. इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं होगा. आपको मनाना इनके बस की बात नहीं होगी. अगर आप रूठे हुए हो इनसे तो आपको वापस से कम बैक करवाना इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा मैं सेंस कर रही हूँ यहाँ पर. तो किंग ऑफ माइकल की एनर्जीज आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध होने वाली है. बहुत सारे लोगों के लिए इट टॉक्स अबाउट विजडम एंड ऑब्जेक्टिविटी आर इम्पॉर्टेंट नाउ, स्टे इन योर इंटीग्रिटी, अ सिचुएशन दैट कॉल्स फॉर ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन. तो ये आप ही की एनर्जी है. आप तभी इनकी तरफ एक रिस्पॉन्स या रेसिप्रोकेशन रख पाओगे जब आप इनके लिए एक ऑनेस्ट एंड प्योर एनर्जीज में कम बैक करोगे. मतलब आप लोग एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक अपने अंदर देखते होंगे कि आप फेक नहीं कर सकते. मतलब अगर आप नाराज़ हो तो नाराज़ हो, आप वहाँ पर एक तरह से अपनी सारी फीलिंग्स हो या अपने सारे जो भी आप उनके लिए उस टाइम फ्रेम में जिस तरह से भी महसूस कर रहे हो वो सारी चीज़ों को कंसील करके आप इनसे बात नहीं कर सकते. आप इनकी तरफ वो एक शुगर कोटेड बिहेवियर नहीं रख सकते. अगर आपको इनसे तकलीफ है तो है, और यही आपका एक लॉयल या एक ऑनेस्ट बिहेवियर इनकी तरफ जाता होगा. अभी क्योंकि आप इनसे बात नहीं करना चाहते होंगे या फिर आप इनसे नाराज़ होंगे तो आप इनसे वो एक जो रेसिप्रोकेशन ये जो एक्शन जाना चाहिए आपका उसको आप होल्ड करके बैठे हो. और तभी आप खुद को प्रिपेयर कर पाओगे जब कभी भी आप खुद को रेडी मानोगे फॉर दैट नेक्स्ट एक्शन, तब आप शायद यहाँ पर इनके लिए कोई रिएक्शन या फिर एक्शन रखने की कोशिश करोगे. लेकिन टिल दैट आप इनसे कोई कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, किसी तरह की कोई बातचीत आप इनके साथ रखना नहीं चाहते होंगे. आप रेजिस्ट कर रहे हो, आप अपने ओन एलिमेंट में खुद को ग्रो करने की कोशिश कर रहे होंगे. एक रिसेप्टिव जोन होगा आपका बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ, करियर फ्रंट पर कह लो या फैमिली लाइफ में कह लो. आप बहुत ज़्यादा आजकल जगल कर रहे होंगे, मल्टीटास्किंग चल रहा होगा बहुत सारे लोगों की लाइफ में, खास करके फेमिनिन्स की बात कर रही हूँ मैं. अगर आप एक मल्टीटास्किंग में जकड़ गए हो, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता आपको अपने पर्सन की तरफ एक तरह का रिस्पॉन्स रखने के लिए, तो यस आप जब कभी भी एक काम डाउन एनर्जीज में कम बैक करोगे तब आप इनकी तरफ हो सकता है एक रेसिप्रोकेशन रिस्पॉन्स देना चाहोगे. लेकिन टिल दैट टाइम आप इनके लिए अवेलेबल नहीं. तो ये एनर्जीज इस तरह से प्रोसीड होने वाली हैं. इन कार्ड्स को हम लोग ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन. जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स. तो बहुत सारी बातें यहाँ पर लिम्बो में है, यानी कि आपके पर्सन एक हार्ड ब्रोकन सिचुएशन में बने हुए हैं. दे आर कन्फ्यूज्ड अबाउट योर बिहेवियर, अबाउट योर एक्शंस, अबाउट योर कम्युनिकेशन. आपके जिस तरह से भी जो भी बातें इन तक कन्वे हो रही हैं, दे आर जस्ट नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग और आपको ये अंडरस्टैंड नहीं कर सक रहे हैं. हो सकता है आपका बहुत कोल्ड बिहेवियर इनकी तरफ जा रहा है और ऐसा इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. आप सिर्फ काम से काम रखते होंगे इनसे, सिर्फ जितना कहना है आपको उतना ही कहते होंगे, उससे ज़्यादा आप इनसे कुछ नहीं कह रहे हो. और ये इनका कंट्रोल आपसे छूटता जा रहा है. मतलब ये अभी आपको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, आपसे आकर पूछने की हिम्मत भी नहीं होगी इनसे कि आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो या फिर क्या हो गया आपको. आपकी हर बात में ये शायद एग्री कर रहे होंगे, अदरवाइज ये इससे पहले सिचुएशन की डेप्थ जानने की कोशिश करते थे
लेकिन अभी ये सरेंडर्ड हैं किसी तरह से, क्योंकि दे डोंट नो व्हाट टू डू। और जब इंसान का कंट्रोल ही ख़त्म होने लगता है वहाँ पर इंसान बेबस हो जाता है। और आपके पर्सन की एग्जैक्टली एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि ये अभी हेल्पलेस है, यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं। एंड टू ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन द टू ऑफ यू। हर रिलेशनशिप में एक फ्रेंडशिप होती है, मतलब अगर वो फ्रेंडशिप अगर कहीं से भी डगमगा रही है, सैबोटेज हो रही है, तो इसका क्लियर मीनिंग ये है कि ये रिश्ता अभी ग्रो होने में यहाँ पर डिफिकल्टी आप सेंस करोगे। तो जब कभी भी कोई रिश्ता ऐसे ख़राब होता है जहाँ पर उनकी अगर फ्रेंडशिप ख़राब हो रही है, तो तब चीज़ें एक के बाद दूसरी कोलैप्स्ड होती जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले वो एक दूसरे के बीच में जो फ्रेंडशिप है उसको मेंटेन रखा जाए, अगर वो ख़राब हो गई तो फिर सब कुछ बिगड़ने लगता है। तो आपके पर्सन यही सेंस कर रहे हैं कि एटलीस्ट ये उस फ्रेंड को कम बैक करवाएं जो भी इनसे छूट गया, अभी आप में ये एक फ्रेंड भी देखते हैं ज़रूर। और यस ऑफ कोर्स आपके पर्सन आपके साथ वो एक कम्युनिकेशन रखने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्लैरिटी आपको देंगे, एक जस्टिस ज़रूर रखना चाहेंगे आपकी तरफ। मे बी दे आर ऑल्सो टेकिंग सम टाइम हियर, आपका मूड सही होने तक ये आपका इंतज़ार करेंगे। तो ये इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ऑन दी अदर हैंड आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं, द हाई प्रिस्टेस, सिक्स ऑफ कप्स, द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरियट, पेज ऑफ कप्स, द सन, द फूल एंड एट ऑफ सूट्स। तो ऑफकोर्स आप इनसे लिटरली नाराज नहीं होंगे, मतलब एक स्ट्रेट वेज में आप इनसे खफा नहीं हो, बट जो एक्शंस आपके और इनके बीच में अभी रिसेंट इवेंट्स के चलते जो भी हुआ है, जो भी इवेंट्स टर्न हुए हैं, या फिर अगर यहाँ पर एक थर्ड पार्टी एंगल भी है, तो उस थर्ड पार्टी की वजह से आपके और इनके बीच में बहुत सारी चीज़ें मेस्ड अप हुई होंगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप एक तरह से खुद को रेजिस्ट कर रहे हो, अपना वल्नरेबल साइड आप जानबूझकर इस पर्सन के सामने ओपन अप नहीं रखना चाहते, क्योंकि आप यही समझ रहे होंगे कि अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर एक मिस्टीरियस वेज में बिहेव करना ही सही रहेगा। अदरवाइज थोड़ा सा आप वल्नरेबल हो गए इस पर्सन के लिए, तो ये पर्सन हो सकता है आपका एडवांटेज उठाते हैं, एडवांटेज इन द सेंस इमोशनल एडवांटेज भी हो सकता है, और बाकी सारे अदर लोगों के लिए दूसरा भी अगर कोई एडवांटेज है, फाइनेंशियल हो या जो भी आप दोनों के बीच में जैसा भी सिनेरियो है, तो ये चीज़ है। और हर बार आप बेवकूफ़ बना दिए जाते हो, तो आप अभी ऐसा कुछ यहाँ पर अफोर्ड कर नहीं सकते, तो इसीलिए शायद आप इनसे एक तरह का डिस्टेंस बनाकर रखना चाहते हो। अभी आप इनसे कुछ ज़्यादा ओपन अप होना नहीं चाहते, आप अपनी ओन स्किन में रहना चाहते हो, अपनी ओन एनर्जी में आप रहना चाहते हो, और इनके तरफ एक रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर आप रखना चाहते हो, इवन दो आप इनसे इतने ज़्यादा नाराज़ भी नहीं होंगे। द सन टॉक्स अबाउट कि जो भी इशू आप दोनों के बीच में हुआ था वो ऑलरेडी आपके माइंड में मेंड हो चुका है, मतलब इतना भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और आपको लगता है कि यहाँ पर इतनी भी ज़्यादा कुछ चीज़ें बिगड़ी नहीं थी, तो हमें ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत। तो आप ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहते, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग आप एक पेस यहाँ पर मेंटेन करना चाहते हो, और वो पेस आपने इस तरह से देखा होगा कि नॉट टू टॉक, लाइक एक तरह की रिस्ट्रिक्शन ऐसी भी होती है कि आप अगर कुछ डिस्कस नहीं करना चाहते या फिर आप चीज़ों को और वर्सन नहीं करना चाहते, तो आप एक तरह से साइलेंस प्रिफर करते हो, यू नो। तो यही मैं देख रही हूँ कि यू गाइज जस्ट चोज नॉट टू टॉक, और यही वजह है कि आपके पर्सन आपका इस तरह का बिहेवियर इन्होंने कभी देखा नहीं था। हो सकता है आपने इनसे लड़ाइयाँ भी की हैं, क्योंकि आप फेक नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने आपका रियल कैरेक्टरिस्टिक बताया, आप फेक नहीं कर सकते। तो आप लड़ते थे, आप इनसे आर्ग्यू करते थे, आप इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करते थे। जब वैसा सेम बिहेवियर आपका नहीं आ रहा है, तो आपके पर्सन एक तरह से परेशान से हो गए हैं, दे डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू बैलेंस द सिचुएशन। तो यही वजह है कि आपके पर्सन सैड है। आज इनकी एनर्जी सैड लग रही है मुझे, ये इनकी जो एनर्जी है वो नॉर्मल नहीं है आज, कहने का मतलब ये है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने खुद को बैलेंस करने के लिए आपके सामने खुद को कूल दिखाया होगा, यू नो, बट इंटरनली इनके अंदर बहुत कुछ अभी कोलैप्स हुआ है, बहुत कुछ मेस्ड अप चल रहा है,
इनकी एनर्जी अभी डिस्टर्ब है, टर्बुलेंट एनर्जी देख रही हूँ मैं यहाँ पर बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। और ऑन दी अदर हैंड आप कुछ वर्सन करना नहीं चाहते, इसीलिए आप इनसे बात नहीं करना चाहते या फिर आप अभी भी चीज़ों को अलाइनमेंट में नहीं देख पा रहे हो, तो आप शायद वेट कर रहे होंगे एक पॉसिबल समय का। द व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट द डिवाइन टाइमिंग, और वो डिवाइन टाइमिंग शायद अभी आई नहीं होगी आप दोनों के बीच में, कि जहाँ पर आप इनकी तरफ वो एक्शन रख सकें जिस एक्शन का आपके पर्सन को भी इंतज़ार है। तो ये एनर्जीज हैं आप लोगों की। तो फाइनली हम देखेंगे गाइस कि वेयर दिस होल सिनेरियो कैन लीड। फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कॉइंस, द हायरोफेंट एंड टेन ऑफ कॉइंस। तो हो सकता है आपके पर्सन यहाँ पर पहले तो एक इमोशनल लॉस सेंस कर रहे हैं, मतलब ये इनकी इवन अभी की भी एनर्जी मैं कह सकती हूँ कि इमीडिएट शिफ्ट हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, कि अभी तो ये फिलहाल के लिए दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल, दे आर इन द काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ अ रिग्रेट कि इन्होंने आपको खो दिया। आपको इनके पास मौका था कि आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क कर सकते थे, आपको हासिल करने के लिए एफर्ट रख सकते थे, लेकिन इन्होंने जस्ट बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिनेरियो या फिर जो भी इशू है आप दोनों के बीच में उसके चलते इन्होंने आपको छोड़ दिया होगा, आपके ऊपर इन्होंने किसी और को सेलेक्ट कर लिया होगा। तो अब आप बदल गए हो, अब आप इनसे वॉकअवे होने लगे हो, आप खुद को ग्रांटेड नहीं करवाना चाहते किसी से भी। तो आपने अपनी वो एक सेल्फ डिफेंस रखी हुई है यहाँ पर, और अगर आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप भी थी तो वो फ्रेंडशिप भी धीरे धीरे कम होने लगी है, या फिर आप इनकी तरफ वैसा बिहेवियर या रिस्पॉन्स रखना नहीं चाहते। तो शायद आपके पर्सन इस बात को लेकर एक रिग्रेटफुल एनर्जीज में आ रहे हैं, आ चुके हैं बहुत सारे लोगों के लिए, तो ये इस कनेक्शन को वापस से कम बैक करवाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करेंगे। एक ऐसा टाइम या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन के, ये वापस से आपका मूड जो है वो लाइट कर सके। इवन दो आपका मूड लाइट होगा, आप इनके सामने नहीं आना चाहते, उस लाइट मूड में आप इनके सामने नहीं आना चाहते, आप अपनी पर्सनल लाइफ पर वर्क कर रहे होंगे, जहाँ पर आपका करियर है या फिर जो भी आपका अदर एरिया ऑफ लाइफ है वहाँ पर आप वर्क कर रहे हो, लेकिन इनके सामने आप अपना रियल फेस दिखाना नहीं चाहते अभी फिलहाल के लिए। आप एक तरह से कंसील्ड वेज में इनकी तरफ एक्शंस रख रहे होंगे, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि ये आपको पाना चाहते हैं और ये हर हाल में इस कनेक्शन को विन करना चाहते हैं। ख़राब हुई हैं चीज़ें, लेकिन क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग इस कनेक्शन को ख़राब नहीं रख सकते, इन्हें कुछ ना कुछ तो एफर्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो एक्शन इन्हें रखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपके और इनके बीच में जो भी चीज़ें वर्सन हुई हैं ये उस चीज़ पर एक चार्ज ले सकें। और इक्वल गिव एंड टेक की बात हो रही है यहाँ पर। सिक्स ऑफ कॉइंस टॉक्स अबाउट दे रियली वॉन्ट टू गिव यू दिस टाइम, जहाँ पर हमेशा अगर ये रिसीवर रहे हैं तो अब ये गिवर बनना चाहते हैं इस कनेक्शन में, टाइम को लेकर हो, एनर्जी को लेकर हो, प्यार को लेकर हो, अनकंडीशनैलिटी को लेकर हो। दे रियली वॉन्ट टू प्रूव देमसेल्व्स के ये भी इंटरेस्टेड थे, ये भी इंटरेस्टेड थे, ये भी कमिटेड थे, इन्होंने भी मतलब इस कनेक्शन में एक इक्वल इन्वेस्टमेंट रखा था। अगर इनसे कुछ चीज़ें गलत गई हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दे नेवर लव्ड यू या फिर ये कभी इंटरेस्टेड थे ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे वेर इंटरेस्टेड एंड दे आर इंटरेस्टेड इन फैक्ट, और आपके पर्सन यही शायद प्रूव करना चाहते हैं, और इस चीज़ के लिए ये जो भी इनके एंड पर पॉसिबल हो ऐसा कोई ये एक्शन रखने की कोशिश करेंगे गाइस। तो आपके लिए मैं यही यहाँ पर सजेशन देना चाहूँगी कि अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बिहेवियर की वजह से कोई एक ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है तो उसको सैबोटैज करने से अच्छा है, किसी पर्सन को टेंशन में रखने से अच्छा है अपने एंड की क्लैरिटी दी जाए। मिस्टीरियस वेज में बिहेवियर्स रखना एक हद तक सही होता है, लेकिन हर बार ये सही नहीं होता। अगर आप जानबूझकर इस पर्सन को एक तरह की लिम्बो वाली सिचुएशन में रख रहे हो, हैंग्ड मैन सिचुएशन में रख रहे हो, तो यू गाइस शुड टेक एन एक्शन हियर, एटलीस्ट टू कन्वे योर मैसेज के आप अपनी लाइफ में कहीं बिजी हो या फिर अभी आपका मूड नहीं है टू टॉक अभी, मतलब जब कभी भी आप खुद को रेडी मानोगे तब आप कभी एक्शन रखना चाहोगे। तो इस तरह से एक क्लैरिटी इन्हें दे देनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई बिलीव, यही मेरी तरफ से सजेशन है। बाकी आप बेटर जानते हो,
आप अपनी लाइफ के बारे में, अपने पैटर्न्स के बारे में, इनके और आपके बीच में जिस तरह की जो सिचुएशन है आप बेहतर अंडरस्टैंड करते हो। तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो ज़रूर मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग हम लोग ज़रूर लेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आपको क्रिस्टल हीलिंग या चक्रा हीलिंग स्टोन्स, ब्रेसलेट्स वगैरह परचेज करने हैं तो आप मेरी गिवन डिटेल्स पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।